तो ये देखो भाई, आज खाने में खिचड़ी हो गया और रायता बना हुआ है। इतने तो इतने मस्त मीठे हो रहे हैं ना ये भाई, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। माल्टे दिखते हैं ना तो सीधे खटाई का मन हो जाता है, तो अब कुछ दिन में भाई खटाई बनाएंगे। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और ठीक पीछे अभी सुबह का मौसम चेक करो आप भाई, कितना प्यारा मौसम हो रखा है ना, ये देखो। और आगे बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, प्यारे प्यारे बर्फीले पहाड़। साथ ही साथ ये देखो भाई मौसम चेंज, घास देखो, कुछ दिन पहले कितना हरा भरा था ना पूरा नीचे से ऊपर तक, और अब खाली हरे कुछ पेड़ ही है यहाँ पे, बाकी लगभग पीला हो गया पूरा जंगल। ये देखो आप, और ये है अपना यहाँ पे खोला, और यहीं आगे देखो आप, यहाँ पर माने लगाए हुए हैं ये प्याज, ये देखो। तो पहाड़ों में कुछ इस तरीके से प्याज की क्यारी उगाई जाती है कनस्तर में। यहाँ पर एक यहाँ पर लगाया हुआ है, कुछ यहाँ पर उगा रखा है, ये देखो अब तो काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, और कुछ यहाँ पे उगा रखा है। और यहाँ पे आप लोग ये डंडा देख रहे होंगे ना, और इसके यहाँ पर ये कपड़ा है, तो इसको क्या किया जाता है कि शाम के टाइम पे ना इसके ऊपर में डाला जाता है, जैसे ही रात रात का टाइम होता है तो इसके ऊपर डाल देते हैं इसको। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि ये सीज़न है भाई ठंडों का सीज़न, तो इसमें क्या होता है कि पाला पड़ता है, बहुत ही ख़तरनाक वाला पाला पड़ता है, तो इसके लिए भाई इसके ऊपर में ये डालना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वो नहीं पड़ेगा ना तो वैसे ही ख़राब हो जाती है, जो प्याज हो गया, जो लहसुन बो रखी है ना वो ख़राब हो जाती है, इसलिए भाई इसके ऊपर में कपड़ा डाला जाता है भाई। यही बगल में देखोगे आप तो आजकल देखो फिर से ये राई लगना स्टार्ट हो गई है, मतलब माँ ने कुछ दिन पहले यहाँ पर राई लगाई थी, तो पूरे इस खेत में लगभग राई है। और जो ये यहाँ पर ये बैंगन है ना, ये अभी तक हो ही जा रहे हैं, ये देखो आप, अभी इस पर छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ, यहाँ पे बैंगन के पेड़, और यहाँ पर देखो यहाँ भी पूरे बैंगन लगा रखे हैं। अरे अब ठंडों की ज़्यादातर सब्जी होती है हरी सब्जी, मतलब ये यहाँ पर राई लगा रखी है तो उसकी सब्जी बनती है, और अब पालक लगाते हैं तो उसकी सब्जी बनती है, तो ऐसा कुछ है भाई। और बाकी यहाँ चौक के आगे आप इन फूलों को चेक करोगे तो बहुत प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं, और कुछ दिन बाद ये भी पूरे सूख जाते हैं अब। तो चलो भाई, आज ना बहुत दिन बाद एक काम मिला है, और वो मिला है गाय को आगे तक छोड़ने का, तो वो करते हैं आज। तो भाई बहुत दिन बाद गाय को जंगल छोड़ रहे हैं, और अब ये वाली चार खुल गई है, तो आजकल आप यहाँ घास देखोगे ना तो इतनी ज़्यादा घास हो रखी है। तो अभी भाई अपनी गाय मैंने यहाँ नीचे पर लगा दी है, यहाँ नीचे देख सकते हो, बाकी जो रास्ता है ना उससे काफ़ी नीचे लगा दी है। और गाय को ना थोड़ा नीचे लगाना ज़रूरी हो जाता है, अगर इनको ना रास्ते से थोड़ा नीचे ही छोड़ दिया ना तो वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी चर चुर के घर आ जाते हैं। तो यहाँ नीचे आजकल ऐसा है कि ठीक है, मतलब अच्छी घास भी है तो थोड़ा देर तक रहेंगे और अच्छा भी चरेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाय लगा दी है भाई, और अब चलते हैं यहाँ से घर। और आजकल जो ये वाला एरिया है ना, तो ये लगभग खुल गया है, और यहीं पर तक खुला है, ये देखो आप, और नीचे यहाँ नीचे तक गाय जा सकती है। तो ये वाला एरिया आजकल खुला हुआ है, तो यहाँ घास भी देखो कितनी बड़ी बड़ी घास है ना, और चरने के लिए कितना सही है। तो इसीलिए गांव वाले इस जंगल को बचाते हैं, मतलब जब यहाँ घास उगना स्टार्ट होती है ना तो तब क्या होता है कि ये पूरा जो भी एरिया है ये सारा बंद हो जाता है, तीन या चार महीने के लिए बंद हो जाता है। और उस तीन चार महीने के अंदर देखो घास इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, और जो ये वाली चार है ये सीधे दीपावली में खुलती है, तो इसका फ़ायदा होता है। और आजकल देखो इतनी अच्छी घास है, तो आराम से गाय का भी डर नहीं रहता है, आराम से चर भी लेती है, और सही हो जाता है खाने के लिए, मतलब। तो ऐसा कुछ है भाई, बाकी गाय तो लगा दी है, और अब चलते हैं यहाँ से घर। और इस घास में सिर्फ एक ही दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे ना, ये देखो आप, इस पर फोकस नहीं हो रहा, फोकस कर ब्रो, और अब हो जाएगा, ऐसे कुछ होते हैं, और ये पूरे ना कपड़े पर लग जाते हैं, तो सिर्फ इस बड़े घास में बस यही दिक्कत है, बाकी और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है भाई। बाकी गाय के लिए खाने के लिए हो जाता है, और जो ये कांटे होते हैं ना, थोड़ा सा इन कांटों की भी दिक्कत है, ये देखो, और यहाँ ऊपर साइड देखो पूरी ये कांटों की झाड़ी है, तो ठीक है। और यहाँ रास्ते पे देखो भाई, बरसात के टाइम पे इतना पानी आता है, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये देखो आप, पूरा इतना टूट फूट हो रही है। और जैसे आजकल गाय यहाँ आई है ना, तो यहाँ पे ऐसे रास्ता लगा रखा है छोटा मोटा, ताकि गाय इधर से इधर जा सके, तो ये भी ज़रूरी है भैया। तो बरसात के टाइम पे तो काफ़ी ख़तरनाक पानी आता है इस जगह, दो जगहों पे आता है यहाँ पानी, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ आगे पे है,
तो दो जगह पे आता है पानी। चलो भाई अभी घर में पहुंच गया हूँ, बाकी खाना खुना खाते हैं भाई, और मस्त वाली हवा चली है दोपहर का, तो दोपहर का खाना खाते हैं और चलो। देखो भाई अभी जैसे हवा चल रही है ना, तो इतनी सारी मधुमक्खी यहाँ बाहर बाहर की है। देखो तो ये देखो भाई आज खाने में खिचड़ी हो गया और रायता बना हुआ है। खाने के मजे लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। बस चलते हैं, खाने के मजे लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जैसे ही खाना खाया वैसे ही बाहर देखो आप बारिश लगना शुरू हो गई है भाई। कहीं कहीं ऊपर साइड देखो यहाँ पर धूप लगी हुई है और आगे उस साइड भी धूप लगी हुई है और यहाँ बारिश लग रही है। देखो भाई 6 बजने वाले हैं और हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं घूमने के लिए। चलो जी। और गाइज अभी तो हम रांची बाजार में पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, तो अब दिक्कत होगी घर कैसे जाएंगे। और नीचे देखो भाई ओले पड़ना शुरू हो गए यहाँ पे, तो जब बारिश कम होगी उसके बाद निकलेंगे यहाँ पे, और नहीं होगी तो ऐसी बारिश में जाना पड़ेगा क्योंकि छाता छुता तो है नहीं हमारे पास। और कल से सीधा वीडियो ना अभी सुबह के टाइम पे बन रही है, तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सामने का मौसम देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ मौसम हो रखा है, इतना प्यारा वाला मौसम हो रखा है ये देखो आप। और लोगों ने अपने छत छुत में ना ये देखो आप दाल डाली हुई है। और कल का मौसम देखा होगा आपने कि कैसी हालत थी भाई मौसम की, और सुबह के टाइम पे मस्त वाली धूप लगी हुई थी, दोपहर तक ठीक था मौसम, लेकिन शाम के टाइम पे पता ही नहीं चला कैसे बारिश लगी और इतने भयंकर वाले ओले गिरे हैं ना यहाँ, क्या ही बताए भाई। बाकी आजकल हमारे साइड पता है क्या हो रहा है, मतलब हल हुल तो सारी लग गई है, पीछे देख सकते हो आप सारे खेतों में लगभग हल लग गई है। और उसके बाद क्या होता है कि अब गुड़ाई होती है, तो आगे लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी गुड़ाई करने पे, हल लग गए हैं बाकी गुड़ाई करने पे लगे हुए हैं, और किसी किसी ने सपोज अपने पगार नहीं लगाए हैं, अपने खेत जो टूटे हुए हैं वो नहीं लगाए हैं, तो वो भी रिपेयर हो रहे हैं आजकल। तो आजकल यही पहाड़ों में चल रहा है जोरों शोरों से। और साथ ही साथ यहाँ चौक में देखो आप लोग, हमने ये अचार रखा हुआ है जो उस टाइम पे हमने अचार बनाया था ना, तो वो अचार रखा हुआ है। तो अभी लगभग 6-7 दिन और बचे हैं पूरा 1 महीना होने के लिए, तो अभी 1 महीने तक इसको बिल्कुल भी खोला नहीं हमने। और ना इसको ऐसे करते हैं हम लोग कि शाम के टाइम पे अंदर रख देते हैं और जैसे ही धूप आती है वैसे ही इसको सुबह के टाइम पे बाहर रख देते हैं, मतलब पूरे दिन भर बाहर ही रहता है। तो अब देखो भाई लगभग 5-10 दिन और बचे हुए हैं, और उसके बाद ये अचार भी खाने के लिए हो जाएगा, तो इसके भी मज़े लेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि कैसा हो रहा है ये अचार वैसे। तो 1 महीने ही रखा जाता है इसको, ज़्यादा नहीं, 1 ही महीने रखना है और उसके बाद खाने के लिए हो जाता है। और यहीं देखो आप लोग सामने इन पहाड़ों में भाई, जैसे ही परसों ओले गिरे ना, तो यहाँ देखो ये बर्फबारी हो रखी है लगभग इस जगह पर। और आजकल पहाड़ देखो आप ग्रीन से पूरे पीले हो गए, ये देखो आप ऐसा कुछ हो रखा है भाई आजकल पहाड़ों का मौसम। और साथ में यही नीचे पे देखो भाई ये पीले पीले माल्टे, और कुछ कुछ हरे हैं लेकिन कुछ कुछ पीले हैं। और अभी परसों ही मैंने कुछ चेक किए थे ना, तो इतने मस्त मीठे हो रहे हैं ना ये भाई, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो ये देखो आप पूरे अच्छे खासे माल्टे लगना स्टार्ट हो गया। और भाई अब इसके बाद आपको पता ही है कि अब इसके बाद खटाई का, मतलब जब माल्टे दिखते हैं ना तो सीधे खटाई का मन हो जाता है, तो अब कुछ दिन में भाई खटाई बनाएंगे। वैसे आज देखते हैं खटाई बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी आपको ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल रिलेटेड, पहाड़ी खान पान ऐसी वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेंगी। बाकी मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।